अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ दफ़ा आपने लोगों को ये देखा होगा कि वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उन्हें नेक लोगों के पास दफन किया जाए, और साथ ही साथ बाज़ दफ़ा आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ईसाले सवाब की कसरत करते हैं, अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं। आइए इन तमाम चीज़ों को आज देखते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की तरफ से आने वाले कुछ सवालात। इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने नाफ़े से रिवायत किया है कि अहले मदीना में से एक शख्स का इंतकाल हुआ तो एक शख्स ने उसे ख्वाब में देखा कि वो अजाब में मुब्तला है। एक हफ्ता गुजर गया या 10 दिन गुजर गए, उसके बाद उसे फिर ख्वाब में देखा और देखता क्या है कि अब वो नेमतों में है। तो उसने कहा कि ये क्या वजह हुई कि जब थोड़ा अरसा पहले मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था तो तुम अजाब में गिरफ्तार थे और अब तुम पर से अजाब उठा लिया गया है? तो कहा, हाँ मैं अजाब में गिरफ्तार था, मगर जहाँ हम दफन हैं वहाँ हमारे पास एक मर्द सालेह दफन हुआ और उसे 40 लोगों के बारे में शिफात करने की इजाज़त दी गई। जिन 40 लोगों की उसने शिफात की उनमें से एक मैं भी हूँ, और इस तरह मुझे अजाब कब्र से निजात मिल गई। सुभानअल्लाह, ये अल्लाह की रहमतें हैं कि वो क्या क्या वसीले पैदा करता है, अपने बंदों को माफ़ करता है, उसकी रहमत है। वो चाहता तो उस नेक साले आदमी को कहीं और भी दफन करवा देता, वो चाहता कि उन 40 लोगों में कोई और भी शामिल हो जाता या 40 की तादाद से थोड़े लोग होते, लेकिन उसकी रहमत है कि उसने ऐसा मामला किया। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सुबहाना व ताला हम पर भी अपना रहम करे, कर्म ख़ास करे, और हमें गुनाहों से बचाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और हमें अदाब कब्र से महफूज रखे। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया भी एक रिवायत करते हैं और कि अहमद बिन यहया के एक दोस्त के भाई का इंतकाल हो गया, तो अहमद बिन यहया ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई तुम पर क्या गुजरी? तो उसने कहा कि आने वाला मेरी तरफ आग का शोला लेके बढ़ा, करीब था कि मुझे उस आग के शोले से जला के राख कर दे कि अचानक एक भाई ने दुआए मग़फ़िरत की तो मैं बच गया। सुभानअल्लाह, कहता है अगर ये दुआ ना होती तो इस शोला बरदार ने, इस शोला उठाए हुए शख्स ने तो मुझे मार डाला। और इस तरह और बाकी तफसीलात भी बयान फरमाई। तो क्या मालूम हुआ कि दुनिया वालों की तरफ से जब मेहनत होती है, दुआ होती है, ईसाले सवाब होता है, तो बरज़खी मुकामात में रहने वालों को मुसीबतों से आसानियां, राहतें मिलती हैं। तो इसलिए हमारे वो भाई वो बहनें जो अपने प्यारों को खोने के बाद अजीब व गरीब डिप्रेशन वाली बातों का शिकार हो गए हैं, मेरी ज़िंदगी का चैन चला गया, मैं बेसुकून हो गया हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उन्हें चाहिए कि अपनी ज़ात से निकल के उस शख्स के बारे में काम करें जिसे उन्होंने खोया है। ये तो सारी की सारी बड़ी आपकी सेल्फिशनेस है। आप जो है वो अपने ही बारे में बात किए जा रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं ऐसा मैं वैसा। तो अगर जिस शख्स के बारे में कह रहे हो उससे मोहब्बत है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसके लिए दुआ करो। तुम तो सारा वक्त हाय हाय में निकाल रहे हो, उससे उसको क्या फ़ायदा? अगर वाकई उससे मोहब्बत है तो उसके लिए दुआ करो, और जब दुआ करो तो फिर मुतमईन भी हो जाओ। ये भी एक बड़ा मसला है, अल्लाह से दुआ तो करते हैं पर इत्मीनान नहीं रखते लोग, उसके बाद उस दुआ के बावजूद बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि दुआ में बेयकीनी है। अपने ईमान को मजबूत करो कि तुम्हारी दुआओं में यकीन होना चाहिए। मैंने अपने रब से मांग लिया है, बस मैं उसी से मांगता रहूँगा, बस उसने जिसने मुझे मांगने की तौफीक दी है, ये भी तो गौर करो ना, चाहता तो ना देता। मांगने की तौफीक दी है तो माना यही है कि वो उस शख्स को बख्शना चाहता है, इसलिए तुम्हें मांगने की तौफीक दे दी, वरना ना देता। वो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला रहता और तुम यहाँ हाय हाय ही करते रहते। तो इसलिए अपने जहन को इन चीज़ों की तरफ मरकूज़ रखो कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वाकई मोहब्बत करते हो, नहीं तो फिर तुम ढोंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है कि हाय मेरे साथ ये हो गया।
और इसी तरह बहुत सारे भाइयों ने बरज़ख की सीरीज़ में आके या बहनों ने कमेंट पे कमेंट काफ़ी वीडियोस के नीचे किए हैं कि सर आप जन्नत की सीरीज़ भी स्टार्ट करें। देखिए, जन्नत की सीरीज़ ऑलरेडी मौजूद है। मेरे ख्याल से आप लोग चैनल पर नए आए हैं, जन्नत की कोई कम से कम 3 सीरीज़ तो हैं, या तो उनके अंदर कई 100 दुरूस हैं, तो कोई 1000 के करीब तो जन्नत के ऊपर दुरूस हैं मुख्तलिफ प्लेलिस्ट्स के अंदर। तो इसीलिए जो है आप बराहे मेहरबानी प्लेलिस्ट्स देख लें, वहाँ आपको जन्नत पे दुरूस मिल जाएंगे। अभी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना आया चाहता है। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने प्यारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जब उनकी याद आए उनके लिए दुआएं करें। उनकी याद का आना ही आपको इस तरफ की निशानदही होनी चाहिए कि रब ताला चाहता है कि आप उनके लिए आसानियां पैदा फरमाएं, या अगर वो आसानियों में हैं तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मेहनत करें। तो याद रखो कि अज़ाब क़ब्र जो है वो तो है, पर उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी मामले में ढिल मिल कर गए। हक ताला उस रूह को अजाब कब्र नहीं देगा जिसने अल्लाह की मारिफत हासिल की, उससे मोहब्बत की, उसके अहकाम की पाबंदी की, और उसके मना करने वाले कामों से बचा रहा, और ना उसके बदन को अजाब कब्र में मुब्तला किया जाएगा जिसमें इस पाक रूह ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, इसके अंदर अल्लाह सुबहाना व ताला ने क्या फरमाया कुरान में, हमने इस महीने को तुम पर फ़र्ज़ किया कि तुम रोज़े रखो उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किया था कि वो रोज़े रखें, और मकसद क्या था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा व परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारो, ताकि तुम उन लोगों में दाखिल हो जाओ जो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेंगे, तुम उन लोगों में दाखिल हो जाओ जिन्हें अल्लाह सुबहाना व ताला क़यामत के दिन अदाब से महफूज रखेगा और वो कामयाब होकर जन्नतों में दाखिल होंगे। कि अदाब क़ब्र का मुस्तहक वही होता है, वही रूह और वही बदन होगा जिसने दुनिया में अल्लाह को गज़बनाक किया, उसने अपने जहल पर क़नाअत की और इल्म हासिल ना किया और अपने आप को ना सुधारा और तौबा भी ना की और इसी हालत में मर गया। तो जो भी अपने हरकतों के सबब जितनी नाफरमानियों का शिकार रहा उसी हद तक अज़ाब क़ब्र में भी मुब्तला होगा। ये नाफरमानियाँ कुछ तो कल्ब की हैं, कुछ ज़बान की हैं, कुछ मुंह की हैं तो कुछ आँख की हैं, तो कुछ नाक कान की हैं, कुछ हाथों की, कुछ पैरों की हैं, कुछ शर्मगाहों की हैं और दीगर बदन के हिस्सों की हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारी इन तमाम मामलात में मदद फरमाए और हर किस्म की गुनाहों से, बुराइयों से, परेशानियों से हमें महफूज रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।